जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारत में हर साल 341 बार घुसपैठ करता है चीन और सीमा पर तैनात जवानों के लिए 47,627 बुलेट प्रूफ जैकेट्स का खरीद प्रोसेस शुरू। वहीं वॉर में रूस को लगा धक्का, सैनिकों ने दक्षिणी यूक्रेन को छोड़ा, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों भारतीय सेना सीमा पर तैनात जवानों के लिए 47,627 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने जा रही है। इसके लिए सेना ने टेंडर भी जारी कर दिया है। ये जैकेट फ्रंटलाइन के सैनिकों को 7.62 mm गोलियों के साथ साथ क्लोज रेंज से दागी गई स्टील कोर गोलियों से बचाने में भी सक्षम होगी और ये परचेज प्रोसेस 2 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्म्स एंड एम्युनिशन से सुरक्षा करने वाली ब्लड प्रूफ जैकेट्स का वजन 10 किलोग्राम से कम और स्टील कोर की गोलियों से सुरक्षा करने वाली जैकेट्स का वजन 11.8 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने 26 जुलाई को ब्लड प्रूफ जैकेट खरीदने को मंजूरी दी थी। इस पर डिफेंस मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के तहत 47,627 बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है और जारी किए गए टेंडर में एक्सपेक्टेशन की गई है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स सैनिकों को 7.62 mm राइफल, आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ साथ 10 मीटर की दूरी से दागे गई गोलियों से बचा सकें। साथ ही लंबे समय से सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग होती रही है। इससे पहले डिफेंस मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2018 को स्वदेशी कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड से 639 करोड़ रुपए की लागत से 186,138 बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद करने की घोषणा की थी और 3 साल के अंदर करीब 2.25 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट सेना को मिले हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद येसो नाइक ने 6 जनवरी 2021 को एक प्रोग्राम में 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवड़े को सौंपे थे। इसके बावजूद अभी भी सेना में बुलेट प्रूफ जैकेटों की कमी बरकरार है, जिसे पूरा करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके बाद फुल बॉडी प्रोडक्शन बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक और टेंडर जारी होने की उम्मीद है। वहीं रूस यूक्रेन वॉर को 9 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेनी आर्मी जबरदस्त तरीके से रूस का मुकाबला कर रही है और उसकी सेना को खेरसान से पीछे हटने को मजबूर किया है। दोस्तों खेरसान पर रूस का करीब 8.5 महीने तक कब्जा था और सितंबर महीने में रेफरेंडम के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खेरसान समेत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाने की घोषणा की थी और वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। इस बीच रशियन डिफेंस मंत्रालय ने फ्राइडे को बताया कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में नीपर नदी के पश्चिमी तट से अपने सैनिकों को निकालना बंद कर दिया है। साथ ही वॉर में मॉस्को के लिए ये एक और अपमानजनक झटका है। दोस्तों रशियन डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि सैनिकों की निकासी शुक्रवार सुबह 5 बजे पूरी हो गई और मिलिट्री इक्विपमेंट की एक भी यूनिट पीछे नहीं रही और इससे यूक्रेन को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं भारत में चीन की घुसपैठ कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन की रग रग से भारत वाकिफ है और ये सीमा पर ड्रैगन की बुरी नियत का ही नतीजा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए। खासकर जून 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से पिछले 29 महीनों में चीन के प्रति भारत ने कई मौकों पर कड़ा रुख जाहिर किया है। साथ ही चीन की कुनीति से पूरी दुनिया वाकिफ है और अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एक स्टडी ने भी सर्टिफाइड किया है कि भारत में चीनी घुसपैठ एक्सीडेंटल घटनाएं नहीं है। दोस्तों इस स्टडी के मुताबिक विवादित सीमा क्षेत्र पर परमानेंट कंट्रोल पाने की चीन की ये रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर सीमा विवाद जारी है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, वहीं भारत इसका विरोध करता है और उत्साई चीन लद्दाख का बड़ा इलाका है जो इस समय चीन के कब्जे में है। दोस्तों भारत सरकार के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक चीन की सेना ने 2016 से 2018 के बीच 1025 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी और एक मैप पर 13 ऐसे प्लेस मार्क किए गए हैं जहां पर बार बार घुसपैठ होती है। साथ ही इस स्टडी में चीन की हरकतों से जुड़े कई पॉइंट्स सामने आए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसे और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।